एवरीवन, आज हम आपको स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सुड लाइफ संचय, जो कि एक सेविंग कम इंश्योरेंस प्लान है, उसका एक रिव्यू देंगे। अगर आप एक फिक्स रिटर्न माइंडसेट वाले इन्वेस्टर हैं तो आपको इस तरह के सेविंग्स प्लान्स को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्लान्स में आपका फिक्स रिटर्न होता है। सो प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एंट्री एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज 45 ईयर्स है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 55 ईयर्स है। प्रीमियम पेमेंट टर्म इस प्लान में 10 साल फिक्स है, यानी कि आपको सिर्फ 10 साल तक प्रीमियम पे करना है। मिनिमम प्रीमियम इस प्लान में 6,000 है और मैक्सिमम प्रीमियम 1,65,000 है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें GST एक्स्ट्रा है। प्रीमियम पेमेंट मोड आप इसमें मंथली मोड में भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। जो भी मोड आपको कंफर्टेबल लगे आप वो मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्लान में पहले 10 साल तक आपको प्रीमियम पे करना है और अगले 10 साल तक आपको आपके एनुअल प्रीमियम का 150% अगले 10 सालों तक इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर आप एक 20,000 रुपये एनुअल प्रीमियम डिसाइड करते हैं तो पहले 10 साल तक आपको 20,000 पे करना है और उसके नेक्स्ट 10 ईयर्स तक आपको 30,000 पर ईयर एज ए कैश बैक मिलेगा, जो कि अगले 10 सालों तक होगा। डेथ बेनिफिट की बात करें तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जिस ईयर में पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है उसके बाद अगली 10 इंस्टॉलमेंट में 50% इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को हर साल मिलेगा। सम एश्योर्ड डिसाइड होता है आपका, जो भी आप एनुअल प्रीमियम पे करते हैं या तो उसका 10 गुना या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, और गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट और 15 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, जिसका आपको 10 सालों तक लगातार इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता रहेगा। अगर पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी एक साथ पैसा लेना चाहता है, यानी कि लमसम पैसा लेना चाहता है, तो वह भी ले सकता है। उसके लिए 6% का पर एनम डिस्काउंट डिडक्ट करके पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट इस प्लान में, जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं, 10 सालों तक आप प्रीमियम पे करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 10 ईयर्स तक आपको 150% सम एश्योर्ड का मिलता है, जो कि 10 इंस्टॉलमेंट में होता है। ग्रेस पीरियड इस प्लान में, अगर आप मंथली मोड में प्रीमियम पे करते हैं तो 15 डेज है, अदर मोड्स में 30 डेज है। अगर किसी रीजन से आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो विद इन 5 ईयर्स इनके जितने भी अनपेड प्रीमियम है और कंपनी की फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करके आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। हालांकि सरेंडर वैल्यू रेकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि ये सेविंग कम इंश्योरेंस प्लान है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिडक्शन होता है अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो। उससे बेटर होता है कि आप पेड अप अपने प्लान को कर सकते हैं। पेड अप समय शॉर्ट के हिसाब से, जितने समय तक आपने प्रीमियम पे किया है उसके हिसाब से आपका समय शॉर्ट और मैच्योरिटी अमाउंट बनता है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो पेड अप के हिसाब से सम एश्योर्ड मिल जाता है, और अगर पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी तक सर्वाइव करता है तो जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट बनता है वो पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। लोन इस प्लान में आप 2 साल के बाद ले सकते हैं, जो कि 70% ऑफ सरेंडर वैल्यू का है, और इस पे जो इंटरेस्ट आपको पे करना होगा वो 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। एक्सक्लूजन्स की बात करें तो सुसाइड एक्सक्लूजन्स 1 साल का है। अगर पॉलिसी होल्डर 1 साल तक सुसाइड करता है तो नॉमिनी को 80% रिफंड कर दिया जाता है प्रीमियम का, और अगर 1 साल के बाद पॉलिसी होल्डर सुसाइड करता है तो जो भी समय शॉर्ट डिसाइड किया हुआ है वो नॉमिनी को पूरा पे कर दिया जाता है। दूसरा एक्सक्लूजन इस प्लान में है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 90 डेज के अंदर हो जाती है पॉलिसी लेने के, तो क्लेम नहीं मिलेगा। इसमें 90 डेज का मिनिमम वेटिंग पीरियड है। एक्सीडेंट प्लान में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, यानी कि अगर एक्सीडेंट की वजह से पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो नॉमिनी को पूरा पैसा दिया जाएगा। टैक्स बेनिफिट इस प्लान में, जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो अंडर सेक्शन 80C आप टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं, और 1010D जिसमें टैक्स फ्री मैच्योरिटी होती है, यानी कि जो भी आपको पैसा मिलता है उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। अगर आपको लगता है कि आपने सही प्लान सेलेक्ट नहीं किया तो फ्री लुक पीरियड, जो कि 15 डेज है, और डिस्टेंस मार्केटिंग में 30 डेज है, आप अपने प्लान को कैंसिल कर सकते हैं और अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। सो ये था एक रिव्यू सुड लाइफ इंश्योरेंस का लाइफ संचय प्लान के बारे में। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।